कोविड-19 बचाव अनुरूप समझ आपकी समझ को जांचें। प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब आप 3 प्रयासों में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो इसे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 से बचाव के हटेगा व्यवहारों में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है सभी। और इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोविड-19 महामारी के दौरान एक प्रमुख उपाय के रूप में स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए? तो इसमें हमेशा की तरह नियमित गतिविधि जारी रखे जैसा कि पूर्व कोविड-19 अवधि में था। तो इसका ये उत्तर सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्कूलों के फिर से खुलने के दौरान कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए तत्काल अन्य प्राथमिकताओं में किस तात्कालिक सुधार की प्राथमिकता दी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है कम बिना स्पर्श वाले किफ़ायती हैंड वॉशिंग स्टेशनों की स्थापना, उन्नयन। इसका सही उत्तर ये है। यदि कर्मचारी छात्र कोविड-19 जैसे लक्षण के साथ अस्वस्थ बीमार है तो क्या उन्हें कोविड-19 के दौरान स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कोविड-19 के दौरान स्कूलों में शौचालय के उपयोग के लिए सावधानियों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? तो शौचालय में भीड़भाड़ से बचे, शौचालय कम होने पर सारणी तैयार करें, स्कूलों में स्वच्छ और विसंक्रमित शौचालय में प्रवेश ना करें। तो इसका उत्तर सभी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के दौरान स्कूल सेटिंग में सफाई कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाना चाहिए? तो इसमें हाथ के दस्ताने, फेस कवर, मास्क और ये हाथ के दस्ताने, मास्क, फेस शील्ड और सुरक्षा चश्मे। तो इसमें इसका उत्तर ये सही होगा। कोविड-19 के मद्देनज़र स्कूलों में बार बार छुई जाने वाली सतहों जैसे हैंड रेल, दरवाज़ों के नाप, स्विच, पीने के पानी के कंटेनर की सतह, हैंड वॉशिंग स्टेशन, शौचालय खंड, कुर्सियाँ आदि। तो इसका सही उत्तर होगा दिन में 2 बार। निम्नलिखित में से कोविड-19 के दौरान श्वसन स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किसकी सिफारिश नहीं की गई है? यदि आपके पास टिश्यू पेपर, नैपकिन नहीं है तो अपने हाथ हथेली में खांसे या छींकें। तो इसका सही उत्तर ये होगा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हाथ धोने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है? इसका सही उत्तर होगा साबुन और पानी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रभावी ढंग से हाथ धोने के लिए कितनी समय अवधि की सिफारिश की जाती है? तो इसका सही उत्तर है न्यूनतम 40 सेकंड। छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों को स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जगहों पर कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना चाहिए?
हाथ धोने के स्टेशनों पर, स्कूल के प्रवेश द्वार निकास और भोजन, दोपहर के भोजन के समय के बैठकों के दौरान, कक्षा, उपरोक्त सभी जगहों। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी जगहों। फिर निम्नलिखित में से क्या COVID-19 के प्रसार से बचने के लिए सुझाई गई शारीरिक दूरी है? तो इसका सही उत्तर है 6 फुट। निम्नलिखित में से COVID-19 के दौरान फेस कवर मास्क के उपयोग के संबंध में सत्य नहीं है? इसका सभी लोगों को विशेषतः मास्क पहनना आवश्यक है। बिना COVID-19 के लक्षणों वाले व्यक्ति को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ये COVID-19 के प्रसार से बचने के लिए मास्क के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? अपने अतिरिक्त मास्क को सहकर्मी के साथ साझा करें जब उसके पास नहीं है। तो अपना मास्क लगाते हुए बैंड या गांठ को स्पर्श करें। यदि मास्क डिस्पोजल है तो उपयोग एक निर्धारित कूड़ेदान में फेंक दें। करें कि मास्क आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी रहने के फिट बैठता है। अपने अतिरिक्त मास्क को सहकर्मी के साथ साझा करें और जब उसके पास नहीं है। इसका सही उत्तर है COVID-19 रोग के खिलाफ प्रमुख बचाव संबंधी उपयोगों में से क्या नहीं है? गर्म पानी पीना। निम्नलिखित में से कौन कोरोना वायरस के संचरण का सामान्य माध्यम नहीं है? बूंदों के माध्यम से। इसका सही उत्तर है COVID-19 और कोरोना वायरस के बारे में क्या सत्य है? COVID-19 दोनों का मतलब एक ही है, वो कोरोना वायरस के कारण हो सकता है। COVID-19 के संदर्भ में पूर्व महामारी अवधि की तुलना में सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण का सापेक्ष कंपैरेटिव महत्व क्या है? वैसा ही जैसा महामारी से पहले के दौर में था, महामारी से पहले की अवधि से कम, महामारी से पहले की अवधि से अधिक। इसका सही उत्तर ये है। तो इस तरह से यहाँ पर सबमिट टू कंटिन्यू टोटल क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन आंसर 18 है। सबमिट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमारे 18 में 16 क्वेश्चन सही हैं। तो इस तरह से 70% पाने के लिए 13 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो उस तरह आप 70% से अधिक नंबर पा जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।